गृहिणी दोष चिकित्सा की इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने गृहिणी की निरुक्ति देखी थी, उसके संदर्भ देखे थे, उसके बाद उसकी क्रमसंगति देखी थी, अग्नि संकल्पना के बारे में और गृहिणी के बारे में जितना कुछ जानना आवश्यक था उसके बारे में भी हमने देख लिया था। गृहिणी संबद्ध दोष धातु मलों का, गृहिणी के कर्मों का और गृहिणी और अग्नि के संबंध का भी ज्ञान हमने गए लेक्चर में किया था। जठराग्नि का महत्व जो हमने लास्ट लेक्चर उससे भी पहला जो अग्नि संकल्पना लेक्चर था उसमें भी उसके बारे में जानकारी ली थी। चतुर्विध अग्नियों के बारे में, उनके कर्मों के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने गृहिणी के हेतुओं के वेरी इंपॉर्टेंट थ्री मेजर सेट ऑफ हेतु, अतिसार से उत्पन्न होने वाले, अग्नि दृष्टि से उत्पन्न होने वाले और कर्मज, ऐसे तीन प्रकार के हेतुओं का हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। उसके बाद गृहिणी की संप्राप्ति के बारे में हमने चर्चा की थी, सामान्य संप्राप्ति, और उसके बाद वातज, पित्तज और कफज तीनों प्रकार के गृहिणियों की संप्राप्तियों की हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। और हमने देख लिया था कि गृहिणी जो है वो अग्निमान्द्य का व्याधि है, वातज हो, पित्तज हो या कफज गृहिणी हो, उसमें संप्राप्ति के बाद अग्निमंद ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि वातज में विषम होती है और पित्तज में तीक्ष्ण होती है, ऐसी स्थिति नहीं है। गृहिणी दोष ये अग्निमान्द्य का व्याधि है, ये भी हमने देख लिया था। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इन वाग्भट। ओके, अगला सूत्र आपके सामने है। सामम शकृत निरामम वा जीर्णे येन अतिसार्यते सोतिसारोति सरणात् आशुकारी स्वभावतः। हमने देख लिया कि अतिसार के बाद गृहिणी का वर्णन क्यों किया है कि अतिसरण और गुदमार्ग से अधिक मात्रा में मल का बाहर निकलना, ये दोनों में सामान्य है, अग्नि दृष्टि सामान्य है और एक दूसरे के बाद वो उत्पन्न होते हैं। सो इस सामान्य के कारण अब यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अगर इसमें यह सामान्य है तो उसमें भेद क्या है। ओके, सो बिफोर डिस्क्राइबिंग गृहिणी इन डिटेल, वाग्भट में वर्णन क्या किया है कि पहले हेतुओं के बारे में चर्चा की, हेतु के बाद इमिजिएटली अतिसार और गृहिणी में क्या भेद है इसके बारे में चर्चा की और उसके बाद गृहिणी का वर्णन उन्होंने चालू किया है। सो सामम शकृत निरामम वा जीर्णे येन अतिसार्यते। ओके, जीर्णे अतिसार्यते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अतिसार में होता क्या है, अन्न का जरण होने के बाद अतिसरण होता है। व्हाट इज अतिसरण? अतिसरण मतलब अत्यर्थम बहिर्निस्सरण, अत्यधिक मात्रा में गुदमार्ग से मल बाहर आना, इसको अतिसार बोलते हैं। लेकिन वो होता क्या है, जीर्णे मतलब यहाँ अन्न जीर्ण होना यह सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, लेकिन जीर्ण होने के बाद भी शकृत कैसा होता है, सामम निरामम वा, शकृत जो है वो साम हो सकता है या निराम हो सकता है। मतलब अन्न का जरण होता है लेकिन वो पूरी तरह से होता है या अर्धपक्व होता है। ओके, सो अर्धपक्व हो गया तो साम पुरुष का निस्सरण होगा और पूरी तरह से पक्व होगा तो निराम पुरुष का सरण होगा। ओके, लेकिन अन्न का जरण होना ये अतिसार में होता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, नंबर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अतिसरण होता है, अत्यधिक मात्रा में द्रव शरीर से बाहर जाता है, एक पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अन्न का जरण होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। जरण होने के बाद जो पुरुष होता है वो साम होता है या निराम होता है। हमने अतिसार की चिकित्सा जब देखी थी उस वक्त देखा था कि उसकी पूरी चिकित्सा जो है वो सामावस्था और निरामावस्था पर निर्भर है। ओके, सो पुरुष साम भी हो सकता है और निराम भी हो सकता है। सह अतिसार। ओके, उसको अतिसार बोलते हैं। अतिसरणात्, अतिसरण होता है इसके कारण इसको अतिसार बोलते हैं। जैसे कि हमने देख लिया है कि अतिसरण का मतलब क्या है, गुदा मार्ग से द्रव धातु शरीर से बाहर निकल। ओके, वो अति मात्रा में होता है इसलिए इसको अतिसार बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आशुकारी स्वभावतः। अतिसार व्याधि जो है वो आशुकारी है। आशुकारी है मतलब क्या है, उसके हेतु
हेतु उनके बाद संप्राप्ति की पूरी घटना होना और उसके बाद ठीक होना या संप्राप्ति आगे जाना, ये सभी स्टेप्स जो है, सभी पड़ाव जो है वो जल्दी जल्दी आगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके हेतुओं का सेवन 1 महीने पहले किया, आज अतिसार हो गया, ठीक होने के लिए 1 महीना लग गया, ऐसी बात अतिसार में नहीं होती। ओके, जो कुछ है वो आशुकारी, आशु जल्दी से उसकी आगे आगे वाली कृतियां हो जाती है, घटनाएं हो जाती है, वो आशुकारी है। और ये स्वभावतः स्वभावतः इस व्याधि का ये स्वभाव है कि इसमें घटने वाली सभी घटना जल्दी जल्दी हो जाती है। सो अतिसार में कौन कौन सी बातें, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अतिसरण हो जाता है। नंबर 2, अन्न जरण हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जरण नहीं होता है, जरण के बाद वो पूरा या अर्धपक्व के हिसाब से पुरुष साम या निराम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट इज वो आशुकारी व्याधि है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अतिसार व्याधि। नाउ लेट्स गो टू गृहिणी। ओके, गृहिणी के बारे में आगे का सूत्र क्या कहता है? सामम सान्नम अजीर्णे अन्ने जीर्णे पक्वम तु नैव वा अकस्माद् वा मुहुर्बद्धम अकस्मात् शिथिलम मुहुः चिरकृत गृहिणी दोषः संचयाच्च उपवेशयेत्। सामम सान्नम अजीर्णे अन्ने उपवेशयेत्। ओके, अजीर्णे अन्ने, अन्न का पूरी तरह से जरण नहीं होता है, तब उपवेश मल प्रवृत्ति करता है। कैसी मल प्रवृत्ति करता है वो रुग्ण? जब अजीर्ण रहता है, अन्न का जरण नहीं होता है, तब सामम सान्नम मल प्रवृत्ति साम होती है या सान्न होती है। ओके, सो देर आर टू ऑप्शंस। ओके, आइदर सान्न नहीं होगी, सिर्फ साम होगी, या सान्न होगी। ओके, सो साम मल प्रवृत्ति या सान्न मल प्रवृत्ति, सामम सान्नम अजीर्णे अन्ने। सो ये एक कंडीशन हो गई। उसके बाद जीर्णे अन्ने, ओके, जीर्णे अन्ने पक्वम, जीर्णे अन्ने तू पक्वम न एव वा उपवेशेत। ओके, अगर अन्न का जरण हो गया तो मल प्रवृत्ति कैसी होगी? पक्व होगी, मतलब साम नहीं होगी। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा ऑप्शन न एव वा मतलब मल प्रवृत्ति होगी। ओके, सो अगर अजीर्ण है तो मल प्रवृत्ति साम या सान्न होगी, अगर अन्न का जरण होता है तो मल प्रवृत्ति पक्व होगी या मल प्रवृत्ति नहीं होगी। ओके, सो ये गृहिणी का स्वभाव हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अकस्माद् वा मुहुर्बद्धम। इतना ही होता है क्या मल प्रवृत्ति के बारे में? नहीं, दूसरी लाइन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, अकस्माद् वा मुहुर्बद्धम अकस्मात् शिथिलम मुहुः। अकस्मात्, अकस्मात् मतलब कारणम विना। ओके, निमित्तम विना, निमित्तम अंतरेण। ओके, मतलब कल मैंने कुछ कटुरस का अत्यधिक सेवन कर लिया और आज अगर शिथिल मल प्रवृत्ति हो गई या दव मल प्रवृत्ति हो गई तो हम समझ सकते हैं कि कल जो कुछ कटुरस का अत्यधिक सेवन हो गया उसके कारण आज मल प्रवृत्ति द्रव हो गई या शिथिल हो गई। लेकिन ऐसा कुछ कारण ना होने के बाद भी, बावजूद भी, मल प्रवृत्ति कैसी होती है? अकस्माद् वा मुहुर्बद्धम अकस्मात् शिथिलम मुहुः। मुहुर्बद्ध, कारण के बिना वो बार बार बद्ध हो जाती है या कारण के बिना वो बार बार शिथिल हो जाती है। ओके, मतलब उसका शिथिल होना या उसका बद्ध होना किसी कारणवश नहीं होता है, कारण के बिना ही होता है, क्योंकि ये व्याधि का स्वभाव है। ओके, सो आज मैंने ये खाया इसलिए ये हो गया, ऐसा हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। रिलेशनशिप के बिना ही इसमें मुहुर्बद्ध और मुहुर्शिथिल ऐसी मल प्रवृत्ति हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो है ये व्याधि का स्वभाव है। लास्ट पॉइंट, चिरकृत ग्रहणी दोष। और ग्रहणी दोष जो है, मतलब ग्रहणी व्याधि जो है वो चिरकृत है। जैसे हमने अतिसार में देख लिया था कि वो आशुकारी है। ओके, कल हेतु हमारे शरीर के संपर्क में आ गए और आज अतिसार की उत्पत्ति होगी, लेकिन गृहिणी में ऐसा नहीं होता है। गृहिणी के हेतु आज हमारे शरीर के संपर्क में आ गए और कल हमें गृहिणी व्याधि उत्पन्न हो गया, ऐसी स्थिति नहीं होती। दीर्घ काल तक वो हेतु जब हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं
उसके बाद ही ग्रहणी की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमने देख लिया था कि अजीर्ण, उसके बाद अम्ल पित्त और उसके बाद ग्रहणी, ये तीन पड़ाव है। ओके, सो अजीर्ण जब दीर्घ काल रहता है तब उसका अम्ल पित्त में परिवर्तन होता है, अम्ल पित्त जब दीर्घ काल रहता है तो उसका ग्रहणी में परिवर्तन हो जाता है। सो ये जो संप्राप्ति है वो चिरकृत है, दीर्घ काल तक चलती रहती है, और उसी तरह उसका ठीक होना ये भी दीर्घ काल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि दो चार दिन उसके लिए कुछ उपक्रम किए और ग्रहणी दोष ठीक हो गया। ओके, ऐसी स्थिति नहीं है। तो संप्राप्ति पूरी होने के लिए भी समय लगता है, और उपशयानुपशय के लिए भी, उपशयानुपशय में चिकित्सा के बाद किए हुए, चिकित्सा की मैं बात कर रहा हूँ, निदान पंचक का जो उपशयानुपशय उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी समय लगता है। ओके, और लास्ट पॉइंट इज संचयाच्च उपवेश, संचयात संचिते दोषे। ओके, इसका मतलब क्या है? मतलब वेग प्रवर्तन जो होता है, मतलब मल प्रवर्तन जो होता है, वो वेग प्रवृत्त हुआ और उसके बाद मल प्रवर्तन हुआ, ऐसी स्थिति नहीं होती है। ओके, मल का या अपक्व अन्न का संचय होता है और संचय के बाद मल प्रवृत्ति हो जाती है। ओके, सो वेग प्रवर्तन ठीक से नहीं होता है, सिर्फ मल और दोषों का संचय होता है, इसीलिए शरीर उसको बाहर फेंक देता है, ऐसा उससे ध्वनित होता है। ओके, सो गृहिणी में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नंबर वन, अतिसार में हमने देखा था कि जीर्ण अन्न, यहाँ अजीर्ण अन्न भी हो सकता है और जीर्ण अन्न भी हो सकता है, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अगर अजीर्ण अन्न होता है तो मल प्रवृत्ति साम होगी या सान्न होगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर जीर्ण अन्न ऐसी स्थिति है तो मल प्रवृत्ति पक्व होगी या मल प्रवृत्ति ना होगी, होगी ही नहीं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकस्मात कारण के बिना ही मल प्रवृत्ति बद्ध होगी और शिथिल होगी, और ऐसा एक बार ही होगा, ऐसी नहीं है, बार बार, मुहुर मुहुर, बार बार बद्धत्व और बार बार शिथिलत्व ये कारण के बिना आ जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिरकृत, ये व्याधि जो है वो चिरकृत है, और लास्ट पॉइंट इज संचयाच्च उपवेशयत, संचिति के बाद मल प्रवृत्ति होती है। सो ये ग्रहणी दोष के महत्वपूर्ण लक्षण है जो अतिसार से उसको भिन्न कर देते हैं। सो इफ वी कंपेयर इट, जो मैंने अभी कहा यही इस चार्ट में लिखने की कोशिश की है, अजीर्ण अन्न सामान्य जीर्ण अन्न कैसे कैसे क्या है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट प्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो इसके बाद का सूत्र क्या कहता है? इसके बाद का सूत्र आप गृहिणी का वर्णन करता है, गृहिणी के भेद, सचतुर्धा पृथक दोष ही संधिपाता च जायते, सचतुर्धा सा गृहिणी दोष। ओके, सचतुर्धा चार प्रकार का होता है, दोष ही वात पित्त कफ, मतलब वातज गृहिणी दोष, पित्तज गृहिणी दोष और कफज गृहिणी दोष और संधिपात। ओके, तो चार प्रकार के गृहिणी भेद होंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पूर्वरूप, प्रागरूपम तस्य सदनम चिरात पचनम अम्लकः प्रसेको वक्त्रवैरस्यम अरुचिः त्रुट क्लोभ्रमः आनद्धोदरता छरणिः कर्णखेडोन्त्रकूजनम्। सो ये प्रागरूप वर्णन किए हैं, क्या क्या वर्णन किए हैं? प्रागरूपम तस्य सदन, सदन का मतलब क्या है? सदन का मतलब साध, साध शब्द जो है वो सारे शरीर के संबंध में उसका प्रयोजन किया जाता है या अग्नि के संबंध में प्रयोजन किया जाता है, इस यहाँ क्या अर्थ लेना है हम बाद में लेंगे, लेकिन सदन मतलब वो उसकी जो कार्यक्षमता है वो कम होना, साध होना। ओके, चिरात पचनम, ओके, चिरात पचन हो जाता है मतलब कितना खाने के बाद या कौन से गुण का आहार लेने के बाद कितने समय में पचन होगा ये निर्भर है, वो जो उस आदमी का समय है वो समय उसके लिए ज्यादा लगेगा। ओके, सो चिरात पचनम, पचन के लिए ज्यादा समय लगेगा और अम्लक, ओके, अम्लक उत्पन्न होगे। सो अगर ये आगे वाले दो लक्षण देख लिए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सदन जो है वो अग्नि संबद्ध होने की संभावना ज्यादा है। सो सदनम मतलब अग्निसाद, गृहिणी के पूर्व रूप में क्या होगा? सदन होगा, किसका सदन होगा? अग्नि का सदन होगा, मतलब अग्नि अपनी कार्यक्षमता से कम काम करेगा,
वो जो कम काम करेगा इसी के कारण चिरात पचनम, पचन पचन के लिए ज्यादा समय लगेगा, चिरात पचन होगा इसीलिए अम्ल का उत्पन्न होगे। अब जब चिरात पचन ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो अर्धपक्व अन्न वैसे के वैसे कोष्ठ में पड़ा रहेगा, और जब वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा जैसे हमने संप्राप्ति में देख लिया था, उसको शुक तत्व मतलब अम्लत्व उत्पन्न हो जाएगा और उसके कारण अम्ल का उत्पन्न हो जाएंगे। वो उसके बाद का लक्षण क्या है, प्रसेक, वो भी किसके लिए उत्पन्न होगा, शुक तत्व उत्पन्न होता है तो सामान्यतः शरीर क्या करेगा, उसका उत्क्लेश करेगा, उसका बाहर निकालने की, उसका शोधन करने की चेष्टा करेगा, तो इसलिए प्रसेक उत्पन्न होगा। उसी के कारण वक्त्र वैरस से उत्पन्न होगा, ओके, उसी के कारण मत रुचि जो है, नेक्स्ट लक्षण इज अरुचि। सो देखिए वक्त्र वैरस्य और अरुचि ये भिन्न भिन्न लक्षण है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के पर्याय के तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वक्त्र वैरस्य विरसास्यता मतलब जैसे जैसे जिस रस का आप सेवन कर रहे हैं उससे विपरीत रस की संवेदना होना, ऐसी अगर स्थिति है तो वक्त्र वैरस्य हम कह सकते हैं, और अरुचि रुचि ही ना होना, ओके। सो ये दोनों लक्षण, पहला लक्षण जो है वो दोषों के जैसे मैंने देख लिया वो चेन में दिखाई देता है, अरुचि अग्नि अगर मंद हो गया, रुचि उत्पन्न होना ये प्राकृत अग्नि पर निर्भर है। अगर अग्नि का सदन हो गया, अग्नि का साद हो गया, तो डेफिनेटली आमोत्पत्ति के कारण रुचि उत्पन्न नहीं होगी। अरुचि के सभी लक्षणों का सभी मतलब कहाँ कहाँ अरुचि उत्पन्न होती है उन सभी स्थानों का अगर हमने अभ्यास किया तो मैक्सिमम अवस्थाएं ऐसी है जहां आमोत्पत्ति रहती है, ओके। सो देयर इज डेफिनेटली क्लोज रिलेशन बिटवीन सामावस्था एंड अरुचि, ओके। सो यहाँ सामावस्था होने के कारण अरुचि उत्पन्न हो जाती है। त्रुट जब त्रुट होता है तो अत्यधिक तृष्णा, तृष्णाधिक्य अपेक्षित है, तो यहाँ तृष्णाधिक्य क्यों उत्पन्न होता है, डेफिनेटली ड्यू टू आम। तो ये तृष्णा जो यहाँ उत्पन्न होगी वो आमज तृष्णा होगी, ओके। क्लम दोष संचिति के कारण अग्नि मंद हो गया, अग्नि मंद होने के कारण उसका कुछ ना कुछ असर तो रसधातु पर आएगा, इसके कारण क्लम उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद भ्रम, भ्रम भी रस संबद्ध भी है, और रस रक्त और मज्जा ये तीनों दोष तीनों धातुओं से ये संबद्ध है। ये जो पूरे लक्षण है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पूर्व रूप कैसे उत्पन्न होते हैं, संप्राप्ति के किस पड़ाव पर पूर्व रूपों की निर्मिति होती है, इसको हमने अगर देख लिया तो स्थान संश्रय की अवस्था में पूर्व रूपों की उत्पत्ति होती है। पूर्व रूप की जितनी डेफिनेशन है उसमें से एक डेफिनेशन है स्थान संश्रयिणः क्रुद्धः भावी व्याधि प्रबोधकम् दोषाः कुर्वन्ति यल्लिंगम् पूर्व रूपम् तदुच्यते। जब पूर्व रूप दोष संबद्ध है, इसको वाग्भट ने और माधव निदान ने स्वीकृत नहीं किया क्योंकि दोष संबद्ध जो पूर्व रूप है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, उनके इंक्लूड करने के लिए उन्होंने अलग सी डेफिनेशन उसकी की है। लेकिन जब पूर्व रूप दोष संबद्ध है तो वो किस अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। ये पूर्व रूप कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ तक संप्राप्ति आ गई है, इसका हमें ठीक तरह से ज्ञान, इसलिए ये डेफिनेशन भी महत्वपूर्ण है। सो जब हम इस डेफिनेशन को ठीक तरह ध्यान में रखेंगे तो हम समझ के पूर्व रूप कैसे उत्पन्न होते हैं। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि दोष जब कोष्ठ में संचित हो जाते हैं तो संचित होने के बाद ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, संचित होने के बाद ही अग्नि सदन हो जाता है, उसके बाद चिरात पचन हो जाता है। सो ऑल दीज इंडिकेट कि दोषों का संचय कोष्ठ में टू बी मोर स्पेसिफिक ग्रहणी में हो गया है, ओके। सो क्लम हमने देख लिया, सो भ्रम जो है सो रस क्षीणता के कारण भी हो सकता है और मज्जा दुष्टि के कारण भी हो सकता है, ये मज्जा दुष्टि के कारण भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, जैसे हमने देख लिया कि सायव पित्तधरा सायव मज्जधरा, मतलब जब पित्तधरा कला दूषित होगी, जब ग्रहणी दूषित होगी तो मज्जा भी कुछ ना कुछ हद तक दूषित होगी, ओके, क्योंकि वो समान ही है।
सो उसके दृष्टि के कारण भ्रम लक्षण की उत्पत्ति होगी, अनद्योदरता, उदर में अनद्धता हो गई हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? दोष अगर वहां संचित है तो अनद्धता हो जाएगी। चर्बी, जैसे मैंने बताया कि प्रसेग उत्पन्न होता है, क्यों? शरीर अपने आप दोषों का शोधन करने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, उसी का आगे उसी की वही संप्राप्ति अगर थोड़ी आगे गए तो प्रसेग के बाद चर्बी उत्पन्न हो जाती है। आंत्र पूजन सेम, जैसे ऊर्ध्व प्रवृत्त दोष होते हैं वैसे के वैसे दोष अधः प्रवृत्त करने के लिए भी कुछ ना कुछ चेष्टा शरीर में हो जाएगी, उसके कारण आंत्र पूजन हो जाएगा। ओके, सो ये लक्षण सा दोष वृद्ध है उसके हिसाब से बदल सकते हैं। ओके, सो इसमें समय और विशेष दोनों तरह के पूर्व रूप आ जाते हैं। सो कुछ ना कुछ दोषों का इंडिकेशन भी इन पूर्व रूपों से हमें मिल जाता है। ओके, सो ओनली वन लक्षण विच वी कैनॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस कि दोषों का संचय कोष्ठ में हो गया है, वो कर्णक्षेड़ है। ओके, कर्णक्षेड़ के बारे में हमें अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि कर्णक्षेड़ पूर्व रूप में कैसे उत्पन्न होता है इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आज तक मेरे पास नहीं है। ओके, सोचते तो हम रहते ही है, तो जब इसके बारे में और कुछ ध्यान में आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज इस वक्त जैसे हम बाकी सभी लक्षणों का कुछ ना कुछ कार्य कारण संबंध बता सकते हैं, वैसा कर्णक्षेड़ के बारे में वो कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना ये मुश्किल है। सो टू समराइज, जब स्थान संशय अवस्था में संप्राप्ति आती है तो पूर्व रूपों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ ग्रहणी में दोष जब संचित होते हैं तो पूर्व रूप के तौर पर सदा चिरा पचन अमृत प्रसेक आदि जो लक्षण है इनकी उत्पत्ति हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो रूप सामान्यम लक्षणम कार्षम धूमकः तमको ज्वरः मूर्छा शिरोरुप विष्टंभः श्वयथुः करपादयोः। सामान्यम लक्षणम, सामान्य लक्षणम इज रिस्पेक्टिव ऑफ दोष। ओके, ये विशेष रूप नहीं है या सामान्य रूप है, सामान्य लक्षणम कार्षम। ओके, अब जब रूप उत्पन्न होते हैं तो संप्राप्ति पूरी हो गई है। ओके, सो उसका जो कुछ शरीर पर परिणाम होने वाला है, असर होने वाला है, वो दृग्गोचर हो रहा है। ओके, सो ये जो लक्षण है तो ये संप्राप्ति पूरी होने के बाद उत्पन्न होते हैं। ओके, तो सामान्यम लक्षणम कार्षम, कार्ष की उत्पन्न हो जाएगा। अगर अग्नि मंद होना यही इस संप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो अग्नि जब मंद हो जाएगा तो धातु क्षीण हो जाएंगे, तो इसके कारण कार्ष उत्पन्न हो जाएगा। धूम कहा तम कहा ज्वर, ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। ज्वर क्यों उत्पन्न हो जाएगा? अग्नि से संबद्ध अजीर्ण है, और ज्वर ये अग्नि से संबद्ध एक स्टेप आगे आगे की संप्राप्ति है। ओके, सो जब ग्रहणी दृष्टि हो जाएगी तो ग्रहणी कोष्ठ दोष कोष्ठ संबद्ध भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हेतु होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम हमारे सामने जो पेशेंट आएगा वो सिर्फ ग्रहणी के हेतुओं का सेवन करने के बाद ही आएगा, ऐसी तो स्थिति नहीं होती है। बहुत सारे हेतु होते हैं, वो भिन्न भिन्न व्याधि से संबद्ध होते हैं। सो एकाध हेतु ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो उस संप्राप्ति को ज्वर की ओर ले जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो यह संप्राप्ति ज्वर की ओर भी चली जाती है। तो ज्वर के संताप के रूप में, मतलब पूरी की पूरी ज्वर की संप्राप्ति हो जाएगी ऐसी तो स्थिति नहीं है, लेकिन संताप यह लक्षण तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा। ओके, सो पहला लक्षण काश, उसके बाद ज्वर, धूम कहा तम कहा मूर्छा शिरोरूप। देखिए ये सभी लक्षण जो है वो मज्जा संबद्ध है। देखिए रूप परमणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमसस्तथा, ये मज्जा दृष्टि के लक्षण है। सो धूम का उत्पन्न होना, तम का उत्पन्न होना, मूर्छा उत्पन्न होना और शिरोरुक उत्पन्न होना, ये सभी लक्षण जो है वो मज्जा संबद्ध लक्षण है। जैसे हमने पूर्व रूप में देख लिया कि भ्रम ये एक ही लक्षण मज्जा संबद्ध था, सो रूप में चार लक्षण जो है वो मज्जा संबद्ध उत्पन्न हो गए। मतलब पित्तधरा कला
मतलब मज्जा की दुष्टि रूप में पूर्व रूप के हिसाब से पूर्व रूप की तुलना में ज्यादा हो गई, आगे चल गई। ओके तो सामान्यम लक्षणम काशम धूमकः तमको ज्वरः मूर्छा शिरोरुग विष्टम्भः। विष्टम्भः प्रवृत्त ना होना। ओके प्रवृत्त ना होना, वात और पुरुष का कोष्ठ में जो संबद्ध है उसका प्रवर्तन ना होगा, ये न होना। ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है। दोष जब कोष्ठ में संचित हो गए हैं, आइदर वो प्रवृत्त हो सकते हैं या विबद्ध हो सकते हैं। अगर वो विबद्ध अवस्था में है, विष्टम्भ ये लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, स्वयतु करपादयोः, और कर और पाद, हस्त और पाद में शोथ उत्पन्न हो जाता है। अगेन ये लक्षण क्यों उत्पन्न होता है, संप्राप्ति में कैसी घटना होती है और ये लक्षण उत्पन्न होता है, ये ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप ये ध्यान में आपको रखना है कि कर्णक्षेड़ के बारे में भी पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, ये सोचना हमारा काम है। और रूप में श्वेतु करपादयोः ये लक्षण कैसे उत्पन्न होता है, इसका ठीक तरह से ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है, तो इसके बारे में सोचना हर एक का काम है। आई थिंक इट्स इट्स क्लियर टू यू। ओके शुड वी मूव अहेड? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू सामान्य रूप के बाद विशेष रूप। ओके सो पहला प्रकार जो है वो वातजग्रहणी। क्या लक्षण है? तत्रानिला तालुशोषः तिमिरं कर्णयोः स्वनः पार्श्वोरु वंक्षणग्रीवा रुजाभीक्षं विसूचिका रसेषु गृद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णा परिकर्तिका जीर्णे जीर्यति च आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते रवातहृद्रोग गुल्मार्षः प्लीह पाण्डुत्वशङ्कितः चिरात् दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत् पुनः पुनः सृजेद्वर्चः पायुर्श्वासकासवान्। ये लक्षण वातजग्रहणी में उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है? तत्र अनिला तालुशोषा, स्पष्ट है तालुष उत्पन्न क्यों हो जाएगा? वात के रूक्ष गुण के कारण जब शोषण हो जाएगा, अब धत्ता शोषण हो जाएगा तो तालुशोष उत्पन्न होगा। ओके तिमिरम कर्णयो हो स्वनहा, तिमिर की उत्पन्न हो जाएगी। तिमिर का मतलब क्या है? तैमीरिया, तिमिर रोग, या आंखों के सामने अंधेरा हो जाना, या तिमिर व्याधि भी अगर हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, मतलब ये भिन्न भिन्न पड़ाव इसमें हो सकते हैं। सो सिर्फ तैमीरिया हो सकता है, तिमिर रोग हो सकता है, मंद दृष्टिता हो सकती है। ये किसके कारण हो सकता है? ये रूक्ष और लघु गुण जब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए इस संप्रति में तो ये उत्पन्न हो जाएगा। ओके कर्णयो हो स्वनः, ये भी अनएक्सप्लेनेबल है, जैसे हमने पूर्व रूप में देख लिया कर्णक्षेड। ओके सो यहाँ भी ये उत्पन्न कर्णयो हो स्वनः, ये कैसे उत्पन्न होता है ये हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ओके तो इट इंडिकेट्स कि ग्रहणी का और कर्ण का कुछ न कुछ संबंध है। तो हमारे शरीर का हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, इसलिए जब ग्रहणी में संप्राप्त होती है, जैसे हमने मज्जा संबद्ध लक्षणों का कुछ न कुछ तो एक्सप्लेनेशन किया। ओके लेकिन कर्ण का और ग्रहणी का क्या संबंध है ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए कर्मबद्ध लक्षण जो पूर्व रूप में और वातज ग्रहणी में उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है यह हमें ज्ञात नहीं। ओके सो नेक्स्ट इज पार्श्व उरु वंक्षण ग्रीवा रुजा अभीक्षणम विसूचिका। तो इसमें लक्षण क्या है? रुजा है। वो कहाँ उत्पन्न होती है? पार्श्व में, उरु में, वंक्षण में और ग्रीवा प्रदेश में। यह स्पष्ट है वातज ग्रहणी है, सो वात की संचिति होगी। कहाँ होगी? कोष्ठ में होगी। अगर कोष्ठ में ज्यादा वात की संचिति होगी, कोष्ठ संबद्ध और कोष्ठ के समीप जो समीप का प्रदेश है उसमें उससे संबद्ध कुछ न कुछ तो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। सो ये पार्श्व, उरु, वंक्षण, ग्रीवा ये कोष्ठ के नजदीक वाले प्रदेश है, तो डेफिनेटली कोष्ठ में जब वात की संचिति ज्यादा होगी
सो उसके नजदीक के प्रदेश में भुजा उत्पन्न हो जाएगी. ओके सो ये इट्स वेरी लॉजिकल. ओके और ये रुजा कैसी होगी? अभीक्ष्णम, एक बार उत्पन्न हो गई और शांत हो गई, ऐसी स्थिति नहीं होगी, वो बार बार उत्पन्न होगी. ओके तो बार बार रुजा उत्पन्न होना और वो इन प्रदेशों में उत्पन्न होना, ये वातज गृहिणी का लक्षण है. नेक्स्ट इज विसूचिका. ओके सूची भी इव वेदना. ज्यादातर बार विसूचिका का अर्थ हमें ऊर्ध्व या अधप प्रवृत्त दोष होना, मतलब एक साथ छर्दी या मल प्रवृत्ति, मतलब द्रव मल प्रवृत्ति होना, ये लेते हैं, ये बराबर है. लेकिन अब इस पंक्ति को अगर हमने ठीक तरह से पढ़ लिया तो ये रुजा की बात कर रहा है. सो मुझे यहां लगता है कि यहाँ दोष ऊर्ध्व प्रवृत्त होना या अधप प्रवृत्त होना, ये विसूचिका शब्द से स्पष्ट करना, ये स्पष्ट करने का प्रयास वाग्भट कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है. सूची भी इव वेदना, मतलब वो सिर्फ इतना ही स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वेदना जो होगी इसमें, मतलब पहली वाली, पहला जो पार्ट है वो कोष्ठ के नजदीक वाले जो प्रदेश है उसमें कैसी वेदना होगी उसका वर्णन करता है, और विसूचिका मतलब कोष्ठ में किस तरह की वेदना होगी. सो यह वेदना का विशेषण हो सकता है. ओके सो कोष्ठ में सूचि भी इव वेदना, ऐसी स्थिति होगी और उसका, उसके नजदीक वाला जो प्रदेश है पार्श्व उरु वंक्षण ग्रीवा, इसमें रुजा उत्पन्न हो जाएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रुजा संतता रुक, देर इज नो स्पेसिफिकेशन लाइक सूची भी इव. ओके सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे लगता है कि ये विसूचिका शब्द ऊर्ध्व प्रवृत्त या अधप प्रवृत्त दोषों के हिसाब से वर्णित नहीं होगा, सिर्फ वेदना का स्पेसिफिकेशन, वेदना किस प्रकार की होती है इसका वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है. सो पार्श्वरु वंक्षण ग्रीवा रुजा भीक्षणम विसूचिका रसेषु गृद्धि सर्वेषु, इट्स वेरी स्पेसिफिक लक्षण. रसेषु गृद्धि, गृद्धि मतलब इच्छा, अत्यधिक इच्छा अगर होती है तो उसको गृद्धि बोलते हैं. किसकी गृद्धि होती है, किसकी अत्यधिक इच्छा होती है? रसेषु सर्वेषु, सर्वेषु रसेषु, सब रस सेवन करने की अत्यधिक इच्छा उत्पन्न होती है. ये लक्षण जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अन्य व्याधियों में नहीं मिलेगा. सो इट इज वेरी स्पेसिफिक लक्षण ऑफ वातज ग्रहणी. अगर इस लक्षण की ये इस तरह का लक्षण अगर कोई रुग्ण बताता है तो डेफिनेटली वी विल सी कि अदर लक्षण जो है वातज ग्रहणी के वो मिलते हैं कि नहीं, और डेफिनेटली यू विल गेट इट. ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रसेषु गृद्धि सर्वेषु. ओके सो ये क्यों उत्पन्न हो जाता है, उसके दो स्पष्टीकरण दिए हैं. नंबर वन, व्याधि महिमा, जब ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं वो एक दोष से संबद्ध नहीं है. अगर ये सिर्फ दोष से संबद्ध है, ऐसी स्थिति होती तो ये वातज ग्रहणी के हम अगर चर्चा कर रहे हैं उसके अगर लक्षण देख रहे हैं, सो उसके शमन करने वाले मधुर अम्ल लवण, इन रसों की इच्छा हो रही है, ऐसा अगर होता तो हम कह सकते कि ये वात दोष के कारण उत्पन्न होने वाला लक्षण है. ओके लेकिन यहाँ तो सर्वेषु रसेषु गृद्धि, सब रसों के प्रति प्रीति हो जाती है, उसकी इच्छा हो जाती है, तो ये सिर्फ वात से संबद्ध नहीं है. तो इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो व्याधि महिमा. ओके सो व्याधि का यह स्वभाव है कि यहाँ सब रसों की इच्छा उत्पन्न हो जाती है. दूसरा स्पष्टीकरण ये होता है वाताति दूषित अंतकरण. ओके वात यहाँ भी आदि को कहा गया है, वात प्रधान है, फिर भी अन्य दोष भी इसमें हो सकते हैं. सो उससे अगर अंतकरण दूषित हो जाता है, सो इट इंडिकेट्स कि इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली वात दोष, और इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ग्रहणी दृष्टि, बट इट इज रिलेटेड टू अंतकरण दृष्टि. जब वातादि दोषियों से संप्राप्ति अंतकरण दूषित होने तक बढ़ जाती है तभी इस लक्षण की उत्पत्ति हो जाती है. ओके सो वातादि अंतकरण दृष्टि कैसी होती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक टीकाकार ने दिया है, राजस वातेन मनोराज्य अधिक भावात. जब राजस वात की अधिक अधिक आधिक्य मनोदेश में हो जाता है तब इस लक्षण की उत्पत्ति हो जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे मैंने आपको कह दिया है कि इट इज वेरी
स्पेसिफिक लक्षण विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर व्याधि और एनी अदर टाइप ऑफ व्याधि, ये लक्षण आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे व्याधियों में बहुत सारे लक्षण मिलते हैं जो वेरी स्पेसिफिक रहते हैं, तो ये गृहिणी का स्पेसिफिक लक्षण है। रसेषु क्रुद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णा परिकर्तिका, क्षुत्तृष्णा और परिकर्तिका, क्षुधा की उत्पत्ति होगी डेफिनेटली, वातज गृहिणी है तो ज्यादा क्षुधा उत्पन्न होगी। तृष्णा वात का, अगर वात रूक्ष गुण से अगर बढ़ जाता है तो शोषण के कारण जैसे तालुशोष उत्पन्न हो गया है तो तृष्णा की ज्यादा उत्पत्ति होगी। परिकर्तिका गुदे कर्तनवत पीड़ा, अगेन जैसे मैंने विसूचिका के बारे में कहा वही बात परिकर्तिका के बारे में भी हो जाती है। जब परिकर्तिका शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या है इसके बजाय हम किसी और व्याधि के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, तो परिकर्तिका गुदे कर्तनवत पीड़ा, सो कर्तनवत पीड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहां सिर्फ गुदे कर्तनवत पीड़ा ही उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो यहां ये स्पष्ट करता है कि जैसे कोष्ठ प्रदेश में विसूचिकावत वेदना हो जाएगी वैसे गुद प्रदेश में कर्तनवत पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीर्णे जीर्णति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम समश्मते, ये पूरी पंक्ति जो है सिर्फ एक ही लक्षण बताती है, आध्मान, बाकी सभी शब्द जो है वो आध्मान के आध्मान के आध्मान के आध्मान की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, उसके विशेषण है। आध्मान कब उत्पन्न हो जाएगा, जीर्णे जीर्यति, जीर्यति जब जरण हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जरण, ओके, अन्न ग्रहण करने के बाद जब उसकी पचन प्रक्रिया चालू रहती है उस वक्त आध्मान उत्पन्न हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट जीर्णे, जब अन्न का पूरी तरह से पचन हो जाएगा उसके बाद भी आध्मान उत्पन्न रहेगा, वैसे के वैसे रहेगा, मतलब अन्न सेवन के बाद जैसे जैसे जरण प्रक्रिया होती है वैसे वैसे आध्मान उत्पन्न हो जाएगा, वो जरण के बाद भी वैसे के वैसे रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भुक्ते स्वास्थ्यम समश्मते, ये खाने के बाद स्वास्थ्यम समश्मते, स्वास्थ्य की अनुभूति करेगा, मतलब थोड़ी थोड़ा सा उपशय मिलेगा। ओके, सो अनुपशय और उपशय यहाँ बताया गया है, जीर्णे जीर्यति ये अनुपशय उत्पन्न हो गया और भुक्ते स्वास्थ्यम समश्मते ये उपशय उत्पन्न हो गया। डेफिनेटली ये वात के कारण है तो अन्न ग्रहण के बाद अल्प मात्रा में उपशय मिलना ये लॉजिकल है। ओके, सो जीर्णे जीर्यति आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम समश्मते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लक्षण भी ऐसे कि ऐसे हमें ध्यान में रखना। सिर्फ आत्मान लिख दिया तो बहुत सारे ऐसे व्याधि है जिसमें आत्मान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जीर्णे जीर्यति आत्मानं और भुक्ते स्वास्थ्यम समश्नुते, ये पूरी तरह से हमने अगर ध्यान में रख दिया और इसका हमें ठीक तरह से ज्ञान पेषण को प्रश्न परीक्षा से हमने कर लिया तो डेफिनेटली वी विल नॉट मूव टुवर्ड्स एनी अदर व्याधि बट डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रहणी। ओके, सो जैसे रसेषु क्रुद्धिः सर्वेषु ये महत्वपूर्ण लक्षण है, वैसे आत्मान में भी जीर्णे जीर्यति और भुक्ते स्वास्थ्यम समश्नुते ये स्पेसिफिक लक्षण है, इसका हमें ये ऐसे के ऐसे हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो आप कोश में देख लीजिए आत्मान से संबद्ध कितनी विशेषताएं हैं, वो सभी विशेषताएं हमने अगर ध्यान में रख दी तो आत्मान से ही हमें पता चल जाता है कि संप्राप्ति किस ओर जा रही है। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्षण, वात रुद्रोग गुल्मार्षः प्लीह पांडुत्व शंकितः। अब शंका उत्पन्न होती है, किसकी शंका उत्पन्न हो जाती है, वात रुद्रोग गुल्म अर्ष प्लीह और पांडु, मतलब वातज रुद्रोग की शंका उत्पन्न होती है, वातज गुल्म की शंका उत्पन्न होती है, वातज अर्ष की शंका उत्पन्न होती है, वातज प्लीहारोग की शंका उत्पन्न होती है और वातज पांडु की शंका उत्पन्न होती है। शंका उत्पन्न होती है मतलब क्या है, उसके जो बहुत सारे लक्षण है और वातज ग्रहणी के जो लक्षण है वो बहुत सारे एक दूसरे जैसे हैं। सो ड्यू टू क्लोजली रिलेटेड और इंटरमिक्स्ड लक्षण आपको लगेगा ये वातज रुद्रोग है, लेकिन इट विल नॉट बी अ वातज रुद्रोग। गुल्म के समान लक्षण है लेकिन इट विल नॉट बी अ गुल्म। अर्ष के समान लक्षण है लेकिन इट विल नॉट बी अ अर्ष। ओके,
वाता जो प्लीहा के लक्षण है, लेकिन इट विल नॉट बी अ प्लीहा रोग, सेम इज एप्लीकेबल टू पांडु. ओके, सो नाउ आवर, हमारा एक कर्तव्य बन जाएगा कि इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका व्यवच्छेद करेंगे. ये पूरा श्लोक हो जाने के बाद, पूरे लक्षण हो जाने के बाद हम उसके ओर जाएंगे. लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि वातज ग्रहणी के लक्षण वातज रुद्रो गुल्म अर्ष प्लीहा और पांडु के समान है. बहुत सारे लक्षण है जो इनमें पाए जाते हैं, अन्य ये जो व्याधि वर्णित है इनमें पाए जाते हैं, लेकिन वातज रुद्रोग गुल्म अर्श ऐसा उसका निदान नहीं हो जाता. क्यों नहीं हो जाता, विल सी सम टाइम लेटर. ओके, नेक्स्ट, शिरात दुखम द्रवम शुष्कम तन्वामम शब्द फेनवत पुनः पुनः सृजेत वर्च पायुरुक् श्वासकासवान. शिरात दुखम, ओके, दीर्घ काल से मल प्रवर्तन होता है. दुखम मतलब सकृच्छ्र, ठीक तरह से प्रवर्तन हो गया ऐसी स्थिति नहीं होती है, वो चिरात होता है, दीर्घ काल से होता है और क्लेशदायक होता है, सकृच्छ्र होता है. ओके, कुछ ना कुछ पीड़ा करते हुए मतलब प्रवृत्ति होती है. ओके, वो कैसे होता है, द्रवम शुष्कम. द्रव और शुष्क ये दोनों विशेषण तो एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकते, तो आइदर मल प्रवृत्ति विल बी द्रव और मल प्रवृत्ति विल बी शुष्क. ओके, वो द्रव हो सकती है या शुष्क हो सकती है. तन्वामम, वो तनु होगी. आमम, आमयुक्त होगी. मल प्रवृत्ति जो होगी शब्द फेनवत, सशब्द मल प्रवर्तन, जैसे हमने वातज अतिसार में देख लिया है, सशब्द सवात मल प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसी प्रकार यहां भी सशब्द मल प्रवृत्ति हो जाती है. सफेन, ये भी वातज अतिसार में हमने देख लिया था, तो मल प्रवृत्ति जो है वो सशब्द और सफेन उत्पन्न हो जाए. उसके बाद पुनः पुनः सृजेत वर्चहा, एक बार मल प्रवृत्ति हो गई और ठीक हो गया, ऐसे तो नहीं होगा, पुनः पुनः बार बार मल प्रवृत्ति होती है. ओके, पुनः पुनः सृजेत वर्चहा पायुरुक् श्वास का सवाल, और बार बार मल प्रवृत्ति होने के कारण ही, वात दोष के कारण ही पायुरुक, वो तो हमने परिकर्तिका में देख लिया था, वो अगेन उन्होंने हाईलाइट किया है. पुनः पुनः सृजेत वर्चहा पायुरुक् श्वास का सवाल, श्वास और कास ये दो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे. क्यों उत्पन्न हो जाएंगे, अगर वात दोष विबद्ध हो गया, प्रतिलोम हो गया, तो श्वास और कास इन दो लक्षणों की उत्पत्ति हो जाएगी. ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट नाउ. सो हमने इसमें से बहुत सारे लक्षणों का एक्सप्लेनेशन देख लिया है. तनुत्व मतलब अल्पत्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन सभी लक्षणों को अगर हमने देख लिया तो वी कैन कम टू द कंक्लूजन, मतलब कौन से गुण इस संप्राप्ति में महत्वपूर्ण होते हैं, इसका ज्ञान अगर हमें ठीक तरह से हो गया तो हम चिकित्सा करते वक्त उन गुणों से विपरीत द्रव्यों का चयन कर सकते हैं. सो इन लक्षणों को अगर हमने ठीक तरह से देख लिया तो वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि इस संप्राप्ति में रूक्ष गुण, खरो गुण और चल गुण ज्यादातर है. ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि बाकी वात के गुण जो है वो इस संप्राप्ति में भाग लेते ही नहीं, लेकिन रूक्ष गुण, खर गुण और चल गुण ज्यादा मात्रा में भाग लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रधान गुण इन्वॉल्व इन द संप्राप्ति एंड अप्रधान गुण इन्वॉल्व इन संप्राप्ति, इसके हिसाब से अगर हमने विचार कर लिया तो ये तीन गुण इस संप्राप्ति में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं. सो नाउ वी विल सी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो वातज ग्रहणी में हमने देख लिया कि वातज रुद्रोग की शंका आती है, वातज गुल्म की शंका आती है, अर्श की शंका आती है, प्लीहारोग की और पांडु की शंका आती है, तो कौन से अक्षर ऐसे लक्षण है, कौन से ऐसे पूर्व रूप है, कौन से ऐसे हेतु है जिनके कारण हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत बार गलती करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ व्यवच्छेद जो है वो लक्षणों के हिसाब से ही होना चाहिए, लक्षणों के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. व्याधि का ज्ञान करने के लिए अगर हमारे पास पांच साधन है, निदान पूर्वरूप उपशय संप्राप्ति, तो इन पांचों साधनों के साथ सभी का उपयोग करने के बाद ही हमें किसी नतीजे पर पहुंचना आवश्यक है.
तो इसीलिए हम यहाँ प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे ये सभी बातें भिन्न भिन्न है। ओके, सो रसेषु गृद्धि ही सर्वेशु, जैसे हमने देख लिया कि ये जो लक्षण है सिर्फ वाताज ग्रहणी में मिलता है, किसी अन्य व्याधि में नहीं मिलता है। जीर्णे जीर्यति चाध्मानम, ये भी किसी व्याधि में नहीं मिलता है। वाताज प्लीहा रोग और वाताज पांडव में आनाह लक्षण मिलता है, लेकिन जीर्णे जीर्यति ये जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। भुक्ते आत्मान उपशय, भुक्ते स्वास्थ्यम समश्नुते, मतलब खाने के बाद आत्मान में उपशय आ जाता है, ये भी कहीं नहीं लक्षण मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो तीन लक्षण है वो ग्रहणी को बाकी जो वर्णित व्याधि है उनसे उनमें से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, उसके बाद मल प्रवृत्ति की ओर जाइए। वाताज ग्रहणी में मुहूर्बद्ध और मुहूर्बल द्रव द्रव मल प्रवृत्ति हो जाएगी। वाताज गुल्म में मल प्रवृत्ति में क्या होगा, विटसंग उत्पन्न हो जाएगा। अर्श में सपिच्छ और विबद्ध मल प्रवृत्ति हो जाएगी। प्लीहा रोग में उदावर्त मतलब मल विबद्ध होगा और उद प्रवृत्त दोष हो जाएंगे। और वाताज पांडु में विट शोष उत्पन्न हो जाएगा। ओके, यहाँ सिर्फ शोष है, वाताज ग्रहणी में शुष्कत्व भी हो सकता है और द्रवत्व भी हो सकता है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है और ये पॉइंट जो है वो व्यवच्छेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अग्नि की स्थिति के बारे में अगर हमने देख लिया तो ग्रहणी में अग्निमंद होगी। वाताज गुल्म में इट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड इन द वाताज गुल्म लक्षण विषमवन्यता। ओके, सो यहाँ अग्नि मंद और यहाँ अग्नि विषम होगा। ओके, और वाताज अर्श में भी विषमता उत्पन्न होगी, बाकी के यहाँ अग्नि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ओके, सो अग्नि मंद होना और अग्नि विषम होगा, ये भी गुल्म से और अर्श से उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। शूल के ओर गए तो वाताज ग्रहणी में क्या होगा, वाताज ग्रहणी में सूची भी ही वह वेदना हो जाएगी। वाताज रुद्रोग में अत्यर्थ वेदना उत्पन्न हो जाएगी। वाताज गुल्म में शूल विसूचिका और शूल इसमें भेद है, और यह शूल पूर्वक मतलब पहले से ही, जैसे कि गुल्म में बताया गया है कि शूल पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद आगे की संप्राप्ति हो जाती है, तो शूल पूर्वक पहला लक्षण उत्पन्न होने वाला जो है वो तो शूल होगा। ओके, और वाताज प्लीहा में रुजा मतलब संतता वेदना होगी। ओके, सो अगर शूल के ओर वेदना की ओर भी अगर ध्यान दिया तो भी हर एक व्याधि में भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। वाताज रुद्रों में क्या हो जाता है जो अन्य व्याधियों में नहीं होता है, अकस्मात दीनता, रसदुष्टि के कारण अकस्मात दीनता और अकस्मात शोक उत्पन्न हो जाता है, तो बाकी व्याधियों में उत्पन्न नहीं होता है। श्वासावरोध उत्पन्न हो जाता है प्राण दुष्टि के कारण, हृदय और प्राणव स्रोतो दुष्टि के कारण श्वास उत्पन्न हो जाता है। शब्दा सहिष्णुता ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है, वो बाकी किसी व्याधि में उत्पन्न नहीं हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गुल्म में स्पर्शगम में गुल्म होगा, वाताज अर्श में दृश्यमान गुदांकुर होगा, प्लीहा रोग में स्पर्शगम में प्लीहा होगी और वाताज पांडु में पांडुता होगी। ये जो उसके प्रत्यात्म लिंग है वो हमें अन्य व्याधियों में जिसके साथ ग्रहणी को शंका के तौर पर वर्णन किया है वो उत्पन्न हो गए जो वाताज ग्रहणी में नहीं हो। सो सिर्फ लक्षण ले लिए मतलब रूप ले लिए तो भी इतना डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव टू पूर्व रूप। पूर्व रूप में भी अगर हमें गए तो चिरापचन ये अन्य किसी व्याधि में नहीं मिलता है, अम्लक ये अन्य किसी व्याधि में नहीं मिलता है। वाताज गुल्म में शूल प्रधान लक्षण है पूर्व रूप में जो अन्य व्याधियों में नहीं मिलता है। वाताज अर्श में शूल नहीं मिलता है लेकिन पिंड को द्वेष्टन मिलता है, मतलब शूल से ये डिफ्रेंशिएट हो गया। रुद्र स्पंदन मिलता है, ओके, मतलब ये शूल से संबद्ध नहीं है लेकिन नजदीक है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। तो यहाँ अम्लक उत्पन्न होता है, उद्गार बाहुल्य पुरीष बंध, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक साथ दोनों लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उद्गार बाहुल्य पुरीष बंध, पुरीष बंध और उद्गार, सिर्फ उद्गार बाहुल्य है तो इमीडिएटली वी कैनॉट मूव और वी कैनॉट थिंक ऑफ गुल्म, लेकिन उद्गार बाहुल्य पुरीष बंध ऐसी अगर स्थिति है तो हम गुल्म के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो वाताज पांडु में स्वेदा भाव, वाताज गुल्म में तृप्ति, वाताज ग्रहणी में तो ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रवर्तन के बाद रादर खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है लेकिन गुल्म में तृप्ति, खाने की इच्छा नहीं होती है और थोड़ा सा भी खा लिया
तृप्ति हो जाती है। वातज अर्श में नेत्र शोफ जो किसी अन्य व्याधि में नहीं है, और पीतम उत्तरत्व जो पांडु में है। ओके, अक्षमत्व जैसे तृप्ति है, अक्षमत्व वो थोड़ा सा भी अध्यसन सह नहीं सकता है। और अर्श में प्रभूतम उत्तर अल्पवित, ये जो पूर्व रूप है उनकी सहायता से भी हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इज हेतु, तो अग्निमांड प्रधान हेतु ग्रहणी में मिलते हैं। वातज रुद्रोग, वातज गुल्म में धातु क्षयजन्य हेतु और उसके बाद दोष प्रकोप, ऐसी हेतुओं की चेन हमें मिलती है। और वातज अर्श में अपान संबद्ध और दोष दुष्टिकर। ओके, मतलब जैसे हमने देख लिया अर्श के निदान के बाद, तो टू सेट्स ऑफ हेतु है। पहले जो हेतु है वो पूरे दोष से संबद्ध है, और उसके बाद सेट ऑफ हेतु आता है वो अपान संबद्ध, अपान दृष्टि से संबद्ध हेतु आते हैं। तो वैसे हेतु हमें अर्श में मिलेंगे जो अन्य व्याधियों में नहीं मिलेंगे। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू कि जिन व्याधियों की शंका हमें आती है उन व्याधियों का वातज ग्रहणी से कैसे व्यवच्छेद करना है। इज इट क्लियर? आई थिंक वी शुड मूव अहेड। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रहणी, दैट इज पित्तज ग्रहणी। पित्तज ग्रहणी में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? पित्तेन नील पीताभम, पीताभः सृजति द्रवम, उति अम्लोद्गार, हृत्कंठ दाह, अरुचि तृण अर्दितः। पित्तेन नील पीताभम, मतलब प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? नील और पीतवर्ण की। आप हम सबको मालूम है कि जब पित्त की वृद्धि होती है तो वो श्वेत और असित, मतलब श्वेत और कृष्ण वर्ण के सिवा अन्य किसी भी वर्ण की उत्पन्न उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ मल प्रवृत्ति नील पीताभ, सॉरी नील पीताभम पीताभा। ओके, सृजति द्रवम, तो द्रव गुण से संबद्ध संप्राप्ति ज्यादा है। जैसे हमने देख लिया है कि पित्तज ग्रहणी में पित्त अन्य गुणों के हिसाब से द्रव गुण से ज्यादा वृद्ध हो जाता है, तो मल प्रवृत्ति ज्यादातर बार द्रव स्वरूप की रहती है और मल प्रवृत्ति नील पीताभ और पीताभ रहती है। ओके, पुति अम्लोद्गार, पुति उद्गार और अम्ल उद्गार, क्यों? शुक्तत्व के कारण। शुक्तत्व तो सभी ग्रहणियों में उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पित्तज ग्रहणी में पुतित्व और अम्लत्व पित्त के गुणों के कारण अत्यधिक मात्रा में होगा। सो इन पित्तज ग्रहणी जो उद्गार आएंगे वो पुति आएंगे और अम्ल आएंगे। मेरे ख्याल से इन शब्दों का स्पष्टीकरण करने की, उनके अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। रुत्कंठ दाह, डेफिनेटली उष्ण गुण से अगर पित्त वृद्ध है तो रुत्कंठ दाह उत्पन्न हो जाएगा। मैंने जब कहा कि द्रव गुण अत्यधिक मात्रा में वृद्ध होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य गुण जो है वो कुछ रोल करते ही नहीं, कुछ काम करते, ऐसी तो स्थिति है ही नहीं। इसीलिए पित्त द्रव गुण से अत्यधिक मात्रा में प्रकृत होता है, तो अल्प मात्रा में तो उष्ण गुण बढ़ता ही है। ओके, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वृत्कंड दाह की उत्पत्ति होती है। अरुचि, जैसे हमने देख लिया है कि अग्नि मंद होने के कारण अरुचि उत्पन्न होती है। तृण अर्थित, तृण उष्ण गुण, उष्ण गुण के कारण रोक्ष, और रोक्ष गुण के रूक्षत्व के कारण तृष्णा उत्पत्ति हो सकती है। ओके, सो रूक्ष और उष्ण गुण इनके कारण, मतलब यहाँ रोक्ष कैसे आ जाएगा? पित्त जब उष्ण गुण से वृद्ध हो जाएगा तो आप्यांश का शोषण हो जाएगा, और शोषण होने के बाद रूक्ष गुण की वृद्धि होगी। ओके, सो यहाँ तृष्णा उत्पन्न होगी, अर्धितः पीड़िता। ओके, सो पित्तज ग्रहणी में रुग्ण इन लक्षणों से पीड़ित होगा। इन लक्षणों की ओर अगर हम ध्यान दें तो वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि पित्तज ग्रहणी में द्रव और उष्ण गुण ज्यादा भाग लेते हैं। ओके, पुति अम्लोद्गार, इसमें से ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्व गुण भी रोल करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि पित्त द्रव और उष्ण गुण से ज्यादा संप्राप्ति में रोल करता है, दैट डज नॉट मीन कि अन्य गुण उसमें भाग नहीं लेते। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रहणी, दैट इज तफज ग्रहणी।
श्लेष्मण पच्यते दुःखम् अन्नम छर्दिः अरोचकः आस्योपदेह निष्ठीव कासभृल्लास पीनसाः हृदयं मन्यते स्त्यानम् उदरं स्तिमितं गुरु उद्गारो दुष्टमधुरः सवनं स्त्रीषु अहर्षणं भिन्नाम श्लेष्म संसृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तनम् अकृशस्यापि दौर्बल्यम्। श्लेष्मण पच्यते दुःखम्, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन पच्यते दुःखम्, पीड़ा होते वक्त, पीड़ा होते होते उसका पचन हो जाता है, मतलब दीर्घ काल तक पचन की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब कफज ग्रहणी में कफ के जो गुण है वो अग्नि के विपरीत है, सो इसमें उत्पन्न होने वाला अग्नि मान्य अन्य दो ग्रहणी को, ग्रहणी के जो भेद है उसके हिसाब से ज्यादा होगा, सो पचन प्रक्रिया के लिए कफज ग्रहणी में ज्यादा समय लगेगा। ओके, सो श्लेष्मणा पच्यते मतलब ज्यादा क्लेश होगी, ज्यादा पीड़ा होगी अग्नि को। ओके, श्लेष्मणा पच्यते दुःखम् अन्नम छर्दी ही अरोचक का, छर्दी उत्पन्न होगी डेफिनेटली। दोष जब होष्ठ में है तो जैसे हमने पूर्व रूप में और रूप में देख लिया है तो छर्दी उत्पन्न हो जाएगी, अरोचक ये भी लक्षण वहां उत्पन्न हो गए थे। ओके, सो वैसे उसी कारण से यहाँ अरोचक उत्पन्न हो जाएगा। आस्योपदेह निष्ठीव, आस्य उपदेह, उपदेह लिप्तत्व आना, मुख में लिप्तत्व डेफिनेटली। मृत्स्न स्त्यान गुरु गुण के कारण आस्योपदेह उत्पन्न हो जाएगा। ओके, निष्ठीव संचय होने के कारण, जैसे हमने प्रसेक को देख लिया वैसे यहां निष्ठीव है, वो दोषों को बाहर फेंकने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो उसके कारण निष्ठीव आ जाएगा। कास वृल्लास पीनसा, निष्ठीव के बाद उसी के नजदीक का लक्षण वृल्लास है, छर्दी निष्ठीव वृल्लास ये एक दूसरे के बाद उत्पन्न होते हैं, पहले निष्ठीव हो जाएगा उसके बाद वृल्लास हो जाएगा उसके बाद छर्दी उत्पन्न हो जाएगी। ओके, पीनसाह ये कफ और वात से संबद्ध, लेकिन पीनस जब बोलते हैं वो ज्यादा कफ से संबद्ध है। हृदय मन्यते स्त्यान, हृदय में स्त्यानत्व की प्रचिति हो जाएगी, क्यों हो जाएगा, हृदय इज नथिंग बट आमाशय द्वार है। ओके, ये आमाशय द्वार है, इसलिए अगर कफ उगर अगर कोष्ठ में ज्यादा संचित हो गया तो हृदय में स्त्यानत्व की संवेदना उत्पन्न होना इट्स वेरी लॉजिकल। हृदय मन्यते स्त्यानम उदरम स्तिमितम गुरु, उदर में दो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, गुरुत्व मतलब पेट में भारीपन उत्पन्न हो जाएगा और स्तिमितम, स्तिमितम मतलब गति कुंठित हो गई है। ओके, गुरु गुण के कारण कोष्ठ की जो गति है वो कुंठित हो गई है ऐसा प्रतीत होगा। उद्गार आ जाएंगे, कैसे, उद्गारो दुष्ट मधुरा, दुष्ट और मधुर, विकृत और उसमें भी माधुर्य आ जाएगा। ओके, और या मधुरता में भी दुष्टत्व होगा, वो प्राकृत माधुर्य नहीं होगा। ओके, मैं दुष्ट भी हो सकता है, दुष्ट और मधुर भिन्न भिन्न भी हो सकता है, और दुष्ट मधुर मतलब माधुर्य में भी दुष्टत्व हो जाएगा, वो प्राकृत माधुर्य नहीं होगा। उद्गारो दुष्ट मधुर सदनम, सदन डेफिनेटली अग्नि की बात हम नहीं करेंगे। अब ये विशेष रूप हम देख रहे हैं तो संप्राप्ति आगे चली गई है, तो डेफिनेटली संप्राप्ति आगे चली गई है, ये सर्वांग सदन की बात कर रहा है। ओके, ये सर्वांग सदन उत्पन्न क्यों हुए, व्याधि पीड़ित तत्व के कारण, इस व्याधि से रुग्ण जब पीड़ित आएगा तो सर्वांग सदन की उत्पत्ति हो जाएगी। स्त्री विवाह के बाद जो हर्ष उत्पन्न होता है वो यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। ओके, भिन्नाम श्लेष्म च प्रवर्तन, अब मल प्रवृत्ति कैसी होगी, भिन्न होगी, बद्ध होगी, तत्व यहाँ ज्यादा बार नहीं मिलेगा, तो भिन्न मल प्रवृत्ति होगी, श्लेष्म संसृष्ट युक्त होगी। प्रवृत्ति अगर मल में कफ मिला हुआ है तो गुरुवर्च प्रवर्तन उत्पन्न होना इट्स वेरी लॉजिकल। अकृशस्यापि दौर्बल्यम, कफ के कारण रुग्ण कृश तो नहीं होगा लेकिन दौर्बल्य आ जाएगा। ओके, मतलब आकार से धातु कम होंगे ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बलम व्यायाम शक्तिया परीक्षित, मतलब
उन धातुओं की व्यायाम करने की, क्लेश सहने की क्षमता कम हो जाएगी। ओके, मतलब गुणतः धातु क्षीण हो जाएंगे, द्रव्यतः आकारतः बाय वॉल्यूम, मतलब हो सकता है कि रुग्ण का आकार जैसे पहले था उतना ही है, लेकिन उसकी कार्यक्षमता जो है वो कम हो जाएगी और दौर्बल्य का वो दौर्बल्य प्रतीत करेगा। ओके, सो इन लक्षणों को अगर हमने देख लिया तो ज्यादातर इसमें गुरु और मूर्छागुण ज्यादा भाग लेता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज विभागे अंगस्य ये चोक्ता विषमाद्याः प्रयोगयः तेपि स्युः गृहणी दोषः। विभागे अंगस्य मतलब अंग विभाग नाम का जो शारीरिक स्थान में अध्याय है, शारीरिक स्थान अध्याय 3, इसमें क्या किया है, विभागे अंगस्य ये चोक्ता विषमाद्याः प्रयोगयः, विषम इत्यादि अग्नि तीन प्रकार के, मतलब विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि, ये जो तीन अग्नि हमने बताया है वो विषमाद्यायः त्रयोग्नयः तेपि स्युः ग्रहणी दोषः, वो भी ग्रहणी दोष ही है। अब ये आपको स्पष्ट हो गया कि जो मैंने आपको ग्रहणी के सॉरी अग्नि के भेद बताए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सम को छोड़ करके अन्य तीन भेद जो है वो विकृति है। सो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस सूत्र तेपि स्युः ग्रहणी दोषः, वो जो तीन के भेद है उनको भी ग्रहणी दोष चाहिए, वो भी ग्रहणी दोष ही है। सो यहां ग्रहणी का वर्णन जो है वो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद एक लास्ट सूत्र जो वाग्भट ने दिया है उसमें उसने महारोगों का वर्णन किया है, वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, मेह, उदर, भगंदराह, अर्शांसी, ग्रहणित्यष्टौ, महारोगाः सुदुस्तराः। ये आठ जो है, वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, मेह, उदर, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इनको महारोग संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, सुदुस्तराः, सुदुस्तराः कुछ साध्य दुर्जय, मतलब कस्यचित् सिद्ध्यन्ति, किसी के भी किसी के ही इनमें से, जो अगर किसी रुग्ण को ये इसमें से कोई व्याधि हो जाता है तो किसी का ही सिर्फ वो साध्य हो जाता है, मतलब साध्य करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, उपशय के लिए ये इतने आसान नहीं है, इसीलिए इनको महारोग संज्ञा दी गई है। सो महारोग ये डिफरेंट कैटेगरी वर्णन की है सिर्फ इसके लिए कि साध्य साध्यत्व का हमें ज्ञान। ओके, सो बाय नेचर, बाय स्वभाव, स्वभाव से ही ये जो व्याधि है, वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, मेह, उदर, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, ये महारोग है, कठिन है, ठीक करना इतना आसान नहीं है जितना इसमें से बाहर वाले, मतलब ये आठ में से बाहर वाले जो व्याधि है उनको ठीक करना आसान है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सुदुस्तराः बोलते हैं इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी संप्राप्ति का भंग करना। ओके, अगर किसी ने बोल दिया कि अर्श है, अर्श का हमने शस्त्र कर्म कर दिया तो अर्श ठीक हो गया, वो कहां महारोग रह गया। अब अर्श का शस्त्र कर्म करने के बाद जब हम सिर्फ अर्श निकाल देते हैं और निकालने के बाद अगर अर्श ठीक हो गया, अर्श का उपचय हो गया, ऐसा अगर हम निर्णय करेंगे तो आयुर्वेदीय अनुमान नहीं होगा, क्योंकि अर्श में जब पंच प्राणादि विकृत हो जाते हैं वो ठीक होने के बाद जब दोष प्रकटिस्थ हो जाएंगे तभी हम कह सकेंगे कि अर्श ठीक हो गया। तो इतनी सारी बड़ी जो संप्राप्ति है उसका भंग करना ये इतना आसान काम नहीं है, वो किसी का ही साध्य हो जाता है। जब हम अर्श का शस्त्रकर्म करते हैं जैसे हमने देख लिया वो स्थान संश्रित जो दोष है, जो स्थान संबद्ध संप्राप्ति है, सिर्फ उस पड़ाव का कि हमने भंग कर दिया, उसके पहले जो चय प्रकोप प्रसर अवस्था में दोष है उनकी चिकित्सा तो हमने की ही नहीं,
वो सब करने के बाद चयावस्था में से भी दोष जब प्रकृति से हो जाएंगे तब हम कह सकेंगे अर्ष ठीक हो गया। सेम इज एप्लीकेबल विद अश्वरी, सेम इज एप्लीकेबल विद ऑल अदर व्याधि। मैंने ये दो उदाहरण इसीलिए दिए क्योंकि ये शंका उपस्थित हो सकती है कि अश्वरी का शस्त्र कर्म कर दिया तो अब तो ये साध्य हो गया, अर्ष का शस्त्र कर्म कर दिया अब तो ये साध्य हो गया, तो हाउ यू कैन से दैट इट इज महारोग। सो हम ठीक होना, वो व्याधि का उपशय होना उसी वक्त स्वीकृत करेंगे जब संप्राप्ति भंग होकर के दोष प्रकृतिस्थ हो जाएंगे, तब तक उस व्याधि का उपशय हुआ ऐसे हम स्वीकृत नहीं करेंगे। ओके सो आई थिंक आज थोड़ा आगे मुझे जाना चाहिए था लेकिन बीच में जो कठिनाई आ गई उसके कारण हम आगे नहीं जा सके। सो इट इज बेटर बीच में ही इंटरप्ट करने से हम यही रुकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकित्सा अगर चालू कर दी तो एक हाथ दूसरा सूत्र ही हो जाएगा, बीच में ही हमें रुकना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू माई प्लान पहला पे, 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 पहला जो एक पड़ाव है, पहला जो एक टप्पा है जहां तक चिकित्सा आती है वहां तक आज रुकना मेरा प्लान था, लेकिन वहां तक हम 5-10 मिनट में तो नहीं जाएंगे। तो इट इज बेटर टू स्टॉप हियर। तो अगर किसी किसी को कुछ डाउट्स है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। सो वेरी गुड, देयर आर नो डाउट्स, सो वी विल स्टॉप हियर। यस सर, थैंक यू। और एक सूचना थी सभी के लिए, नेक्स्ट जो सत्र हम संडे को रविवार को कंडक्ट करने वाले हैं उसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 8 बजे से 9 बजे तक सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सर ही ग्रहणी चिकित्सा, सर के साथ हम ग्रहणी चिकित्सा का अध्ययन करेंगे उस सत्र में। लिंक ग्रुप पे शेयर की जाएगी। ठीक है, शुड आई लीव? नो सर, देर इज वन क्वेश्चन। सर, ग्रहणी मध्ये कर्णस्वन हे लक्षण जेव्हा उत्पन्न होते तेव्हा कल्प निवडताना कसा विचार करावा? ते आता पुढे बघूया आपण, अजून आपण चिकित्सेमध्ये गेलेलो नाहीये आणि मी आत्ताच सांगितलं की कर्णसंबद्ध जी लक्षणं उत्पन्न होत आहेत ती ग्रहणीत कशी उत्पन्न होतात हाच एक मोठा प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर आत्ता मिळालेलं नाहीये। वक्तृवैरस्य एक्सप्लेन मोर। वक्त्र वैरस्य विरसास्यता मतलब विकृत रस की, विकृत रस का ज्ञान हो जाएगा, अरुचि में रुचि नहीं लगेगी, स्वाद उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन विरसास्य में आपने मधुर खाया है फिर भी आपको कटु लग रहा है, तिक्त लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, विकृत रस की उत्पत्ति हो जाएगी।